पीली भैया राजेंद्र चाय पी रहा हूँ भैया। यार चहती लगा कर पी जाए यार राजेंद्र, तू भी जो ना, मैं न्यूनो कहनी चाह रहा हूँ, कभी तेरा जी खराब हो जावे। अजय मैं जी खराब होने की कहा बात है, जी खराब होने की बात ना तो भैया सुन ले, वो आ रही है टट्टी, तो कोई कॉम हो तो बता, मो पे डटो नहीं जा रहा। अरे कॉम कहा भैया श्यामलाल, एक तेरे पोते का रिश्ता है। आज बोल दूंगा जाके मेरी माँ, मेरी माँ तेरी बहू मिल गई। एक मिनट भैया राजेंद्र, अब बता भैया, मेरा ही ससुरा जो है ना बहम हो, अब लिखड़ को, अब बता कैसे है कौन ते? मेरा बड्डा लौंडा है बम्बई में, वहाँ का दोस्त रहे नवेडा, तो वहाँ की लड़की है। उरे तो करवा भैया करवा। बाबा खाली डालियो भैया राजेंद्र, ये बात है बदल, कोई और बात कर, या के आगे जिक्र मत कर दीजो। ए चाचा तुम जो नहा पे दुबके बैठे हो, मैं तुम्हें उधर तुम्हारे घर पे देख रहा है, पीछे छिप जाते हैं। चाचा राजेंद्र तुम भी क्या गुप्त मीटिंग कर रहे हो दोनों? कुछ ना वैसी परिवार की बतला रहे आपस में। हैं जी चाचा राजेंद्र, तुम कहोगे तो ये कि खालिद बोला कितना, पर मुझसे जो बिना कहे रही ना जाती है। तुम सारे जमाने में घूमते फिर रहे हो, हांडो तुम सारे दिन, तुम्हें चाचा का पोता ना दिखाई दिया एक भी दिन? है इसका रिश्ता करवाओ कहीं से, इसका निकाह का ना लगवाओगे जुगाड़ यार? राजेंद्र भैया करवाई बात है शुरू, ये तो सारी बात जोड़े हैं। भाई रिश्ता तो कर देंगे, पर उनकी एक डिमांड है। डिमांड? कैसी डिमांड? वे वहाँ घर में रिश्ता करेंगे जहाँ घर में अंग्रेजी आती हो। oh, no. भैया अंग्रेजी तो ना आती हम पे। ना आती तो सीख ले भैया। बता भाई कैसे करनी है? तू भैया हमें हफ्ता भर का टाइम दे दे, हफ्ता भर पीछे लिए यो बंदे। ठीक है तो भैया मैं एक हफ्ता पीछे आऊंगा। चाचा क्या मामला चल रहा, मेरी तो समझ में ही ना आ रही है कुछ भी कहानी। अरे कहानियां छोड़ तू, हमें पहले अंग्रेजी सीखनी है, या कि जो ना रिश्ता की बात चल रही है नोएडा तक, हफ्ता भर को टाइम भी बाकी दिया उन्होंने। ए चाचा ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है, फिर तो अंग्रेजी जो मुझे भी सीखनी पड़ेगी यार। हाँ चुगली लगाने को देख लो चाचा, करो तुम बावली बातों को ना, अपनापन ना मान रहे हो, तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं, बारात में न जाना मुझे, वहाँ बोलनी ना पड़ेगी जब ऐसा मामला आ गए। बेटा हमारे कई मास्टर है तलाश जो हमें अंग्रेजी पढ़ा देवे। ठीक है बाबा, हैंगी एक मास्टर नहीं हमारी, उन्हें बुलवा के लाऊंगा। बाबा जी, मैडम जी। अरे मैडम जी नमस्ते, बैठिए बैठिए आइए। कहो बैठे, मेरी छाती पिटा देगा, पीछे बैठ चल के। देख कहो यहाँ कहीं में बैठने को थे। चाचा क्या चल रहा है, एक बात तो बतलाओ है, इतनी दूर से मैडम तुम्हें ना पढ़ाने आई है और तुम बहसबाजी कर रहे हो अपने पोते के साथ में, क्या सोचेगी तुम्हारे लिए और मेरे लिए है? मुझे लग रहा है तुम्हें भी बाबले बुखार के थोड़े बहुत लक्षण आगे दिखे हैं, बिल्कुल तमीज ही ना रही है, बाहर की लेडीज बैठी आप उसके सामने इस तरह से बक्तीजी में फेर मार रहे हो। मैडम जी तमे तो नमस्कार, इज्जत की गेल। अरे थोड़ा बोल ले, ऐसी बेइज्जती फेंक के मारूंगा कहीं को ना रहने को, कभी तो बनाऊ अंग्रेज। मैडम जी आते टाइम रास्ते में कोई परेशानी तो ना बनी है तुम्हें? नहीं नहीं अंकल जी, मैं तो आराम से आ गई थी। ये क्या कह रही हो मैडम तुम्हें, तुम्हें मुझे लग रहा बाबला बुखार होगा दिखे, अंकल जी बतला रही है मुझे है चाचा, एक बात बतलाओ तुम हमें ना पढ़ाने आ रही हो, हम ना पढ़ने बैठे हैं तुमसे, तुम तो हमारी मास्टर नहीं लगी, हम तो बच्चे हुए तुम्हारे। बच्चे? अमन क्या नाटक है ये? ए मैडम जी मैं तुमसे कहना रहा हूँ, तीन स्टूडेंट है जिन्हें अंग्रेजी सीखनी है। हाँ। तो एक तो मैं हो गो, और दो ये हो गए, ये मेरे बाबा और ये चाचा खालिद। ये तुझे स्टूडेंट कहाँ से दिख रहे हैं? ए मैडम जी देखिए मेरी मजबूरी समझो, मेरी जिंदगी का सवाल है, अब क्या ब्याह होगा तो होगा नहीं फिर मैं छिके हुए इनमें गिनो जाल लगूंगा। चल ठीक है रो मत, देखो अगर पढ़ना है तो शांति से पढ़ लो।
ले अब नहीं सुन ले, एक हफ्ता में रिश्ता वाले आने वाले हैं, यूं यूं कह रही है शांति था पढ़ ले। अबे शांति कौन है? अबे खाली दी तो बेइज्जती को सो खतरा बढ़ रहा हूँ। मैडम जी देखो ऐसा, इन्हें हफ्ता भर का टाइम मिला अंग्रेजी सीखने के लिए। अब तुमसे जो मेरा नम्र हृदय से निवेदन ये है, तुम्हें जैसी भी अंग्रेजी आती हो सीख लाओ। अब शांति का क्या पता वो कैसा पढ़ाएगी, एक बात तो बतलाओ तुम। बेइज्जती करवाओगी, इनों के साथ हमारी बेइज्जती और तुम्हारी भी होनी है ना जी। अब मेरा तो तुमसे यही कहना, शांति का कुछ पता ना, तुम चाचा से जो हो ना, जाते टाइम खुशी से अपने 10-20 रुपए जोक से फालतू पकड़नी हो ना चाचा। नाटने के ना पैसा में बड़ा दिल है इनों का मुझे पता, पर देखो जैसी भी तुम्हें आवे ना ईमान से सीख लाओ। मानो बात को, ए लांडे के हाथ पीले हो जाएंगे समझो, शिकाई पड़ा वरना। अमन देखो, मैं इन्हें इंग्लिश सिखा पाऊंगी या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, पर ये लोग मुझे पागल जरूर कर देंगे। मैडम जी बस देखे मेरे ब्याह की बात है। चलो तो ठीक है, ABCD से शुरुआत करते हैं। A4। A4 मैडम जी हम बताएंगे। A4 आदम फोर जानवर। B4 बी का जो मैडम मैं बतलाऊंगा तुम्हें, नंबर भी तो मेरा ही है, चक्की ऐसे ही तो घूमती है। ए चाचा ने बतला दिया, बी मैं बतलाऊंगा। बी का मतलब होता मैडम बुरी शिकल वाला बुढ़ा। नहीं नहीं ना, गलती कल गा ईमान से, गलती से ही कल गा। बी का मतलब जो होता बहुत बुरे मुंह वाला बुढ़ा। अमन पहले तो इन्हें कल तू ये समझा देना कि पढ़ाई कैसे करते हैं। ओके आई एम लीविंग नाउ, बाय। अब यू काहे को लीविंग बता गी, काहे फार्म भरने है अब? अब यह सिकले बना रहो, सिकले मत बिगाड़े नहीं तू जोड़े है फिर वो बन लियो होशियार। मुझे क्यों गलत कह रहे हो चाचा, तुम एक बात बताओ, शुरुआत तुमने करी, क्यों मेरे लिए तुमने गलत अल्फाज निकाले? ए बाबा यू ना छुटने मारो कतई भी, भगवान कसम मेरा हाथ भी दुखल लगे। थोड़ा सा काला तेल काई के से मोहंगी लो, यू ठंड में धोरा डिब्बा कड़गो कतई यू। पर डली भी ना आया, मैं डली फूक दे एक। डली तो लिकट जाएगी, रुक जाओ। अरु तेरी मैडम कह रहेगी आने वाली खाई आई। बाबा जब मैं थारे धोरे को आओ तो तेहरे 14 मिनट रहरी मैडम जी का आने में, बस सब आने में ही होंगी थोड़ी बहुत देर में, तब इन गड्ढा से न चौंट लो इतना झेड़ पेड़। तू घबरा क्यों रहा, तेरी बात मैं रख दूंगा ना वहां पे यार, इन्हें पता ना है। देख रहा चाचा का स्कूटर है यार, मेरी समझ में ये ना आ रहा चाचा ने इसमें पहिए जो पल्ली तरफ लगवाए, फिर इसको चाचा चलाते कैसे होंगे बैठ के, ऐसे ऐसे खिसकाना पड़ता होगा इसको तो यार। चाचा भी पूरा नीति खो रहे देख लेती। अच्छा आदमी ये अंग्रेजी सीखने का जो मामला मेरा बन रहा, मेरी जो है मजबूरी बन रही है, तुझे तो पता चाचा के पोतों के साथ वो सेंटाग्राम पे मेरा समझौता होगा। अब मुझे जो है यार सेंटाग्राम पे लाइव आना पड़ेगा। अब लाइव का तो तू मामला जाने, हर प्रकार का आदमी जुड़ता वहां, तो अब कोई अंग्रेजी बोलेगा और मेरी जबान से इकलेगी ना, तो इसमें भेजती ना यार मेरी आ जाए, इसीलिए सीखेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा रही है ये वाली मैडम, पर देख तुझे एक बात का ध्यान रखना, मैडम के सामने जरा भी जनावरपंती ना करनी है, कभी जनावरपंती करे तू है ना। कर दिखा ले तुमने, ले इनों की अनीति देख ले। चाचा क्या हो रहा है, अभी तुम्हारे गंडा से ही पहनाए जा रहे हैं यार, मैडम आई ना अभी। मैडम तो आ रही है, पर तू आदमी कहो खुली आया है? आदमी को कहाँ ले आया, तुम्हें पता ना आज मेरा अजीज मित्र है ये, मैं नहाया ना दिखा तू यार। अरे यार ठंड हो रही है। चाचा मित्र मेरा ये भी अंग्रेजी सीखेगा? ओह नो, यू बुढ़ापे में। देख रहा अब तू आदमी की अंगाई कितनी हो रही है चाचा की, तुझे जो बुढ़ापा बतला रहे, तुम तो 4 दिनों के हो ना। अरे देख करतूत देख ले इनकी, तू
ये ऊपर वाले ने जो इतनी बीमारियां भेज दी है ना धरती पे, इन्हों की हरकत देख के ही तो भेजी है। देख रहा बलकटी से जो गंडास को कुछ चाण रहे हैं। अरे खालिद यही मारत तू पीछे है मोते यासु चौंडने में एक पंथ दो काज हो रहे हैं, वे भी चढ़ रहे हैं और यू भी, दोनों में धार लग रही है, दोनों पहने हो रहे हैं। बाबा जी मैडम जी आली। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते, चलो आओ जल्दी बैठो, मैं पहले ही लेट हूँ। मैडम जी पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, हमें यूँ बताओ फीस की कैसे कैसे है? अमन तुमने बताया नहीं? ना। यूँ कहे बताएगा कि जेठ लगे हैं ना हम। बाबा मैं बता देता ना जो मैडम ने फीस बताई तब वो तोड़ते। ए मैडम जी तुम ही बता दो बाबा। बताओ मैडम जी बताओ, शर्माणिक बात ना है हमें, पढ़ाई में वैसी चटकी चल रही है, कोरोना टाइम ना चल रहा है, बीमारी चल रही है, बताओ तुम सही सही लगा लो। देखो एक आदमी का है ना 100 रुपया लगेगा। ले भैया हम तो बच गए, आदमी की लगेगी बस फीस। बे आदमी तेरी तो यार मैडम को भी पता, तू पैसे वाला। ए मैडम मो पे ज्यादा पैसा जो मैं पैसा दे हूं, और ये सब फ्री में पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं ये? ए मैडम जी या कोनम जो आदमी है तो इनू समझ रहा बस यही की फीस लगेगी, हम सब जो फ्री में पढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक स्टूडेंट के 100-100 रुपए लगेंगे। ओ फिर ठीक है तो। अच्छा फिर तो भैया 100 तो हमारे यहाँ के हो गए और 100 रुपया मेरे हो गए। मैडम जी तंदक एक प्रचार पेन दीजिए, तो रजिस्टर और दो थोड़े। ये 100 तो हो गए आके प्लस 100 ये हो गए मेरे बराबर। जुड़वाई और था ना कि नंदा? बाबा एक और दो जीरो तो है तुम्हारी वाली, और एक जीरो और एक जीरो, दो जीरो मेरी वाली होगी, तो 1 2 3 4 4 जीरो होगी बाबा। 3 और 4 एक तो यू होगा और एक यू, दो ये हो गए, दो हो गए। यू तो हल्का सा जुड़वा दिया तेने, या सी कब यू कहा निगे को आजा। इकाई ढाई सैकड़ा हजार और 2000। मैडम जी ये तो हो गए सूदे 2000 मारे तो। लो तुम्हारा रजिस्टर और पेन। देखो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अंग्रेजी के ट्यूशन के साथ साथ गणित के ट्यूशन की भी जरूरत है। अरे मैडम जी क्या बात कर रही हो, हमें तो उंगलियां पे हिसाब आवे सारा, सारी गिनती आती है मोफे, गिनती सुनाओ 10 20 50 100 1000 10000 घड़े सारे हजार। बुलंदशहर क्षेत्र को बुलंदशहर जिले को टॉपर रहे हो मैं। और सुन लीजिए सिकंदराबाद के तुम्हारे जितने भी कौन गोए पटवारी डोले हैं ना ये सारे खेतन को हिसाब लगवाने को मेरे धोरे आवे। आज भी अगर साइंस स्कूल में चले जाओ तुम बोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर मेरा नाम लिख रहो सोमलाल गणितकार। हल्के में चौंड रही हो तुम वो। खालिद आप सुनाओ जरा। मैडम जी देखो 1000 तक तो चाचा ने पकड़ ही लिया, अब 1000 से आगे का लगा लो तुम, लाख होता, 50 लाख होता, द्रम होता, दिनार होता, इत्यादि प्रकार का पैसा पड़ा दुनिया में, कोई होश ही ना पैसे का, तो इतना पैसा। अच्छा श्यामलाल जी आप महीनों के नाम सुनाओ। ओ हम तो सुनाई देंगे, होशियार फाला के कुछ भी सुन लो, चैत बैसाख साठ सौवन महा। बस 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 हिंदी में नहीं सुना रहे, इंग्लिश में सुनाओ।
मौलक है मैडम साहब नाते दीखे हिंदी में तो। मैडम जी तुम भी जो है ना हमारे बालक सुनाओ इंग्लिश में। oh, no. सुना भाई तू तो कस बिगाड़ रहा हूँ बेइज्जती करवा को सुना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मोहर जून जुलाई अगस्त दिगंबर दिसंबर दोनों भूल को दिखे। एक तो मैडम जी बिजेंदर और बात है छोटो कविंदर कविंदर चार भैया आए। कविंदर नाम का जो है ना पिछली भर्ती में ही पुलिस में लग गो। और सबसे बड़ा जो कहा नाम बताओ दिसंबर दारू बाज एक नंबर को दारू पिए। अब भी छोड़ दी पिए। अब कहो हाथ हारे धो रही ताक पिए करो कदी कदी बाबा। चल चल एक बात तो आज पता चल गया मुझे तुम्हें और तुम्हारे इस पोते को जो अंग्रेजी की बहुत अच्छी पकड़ है। है ईमान से हमें तो पता ही ना कितना बढ़िया बोल ले यार दोनों। नजर तो देखो लगाना देखो ही बोल बहुत अच्छा रहे हो तुम। तुम लोगों के चक्कर में है ना मैं अपनी भी इंग्लिश भूल जाऊंगी। ये लो पकड़ाओ उधर मैं तीन ही लाई थी मुझे नहीं पता था आज ये आदमी भी ज्वाइन करेगा। बे आदमी देखो आज तुम्हारा पहला दिन है दिल पे मत लेना इस बात को। मैडम को पता नहीं था तुम हो जूनियर इसलिए आज तुम ऐसे बैठ कर देखते रहो बस हम पढ़ लेते हैं ना। अंग्रेज ये बरसा में काट दो दोनों बाबा पोते। अरे गहरे तो लगा जाता अब कह रहे भी मैं ही लगाऊं तुमको रोटी ना फूकू खाएगा का डले। तेरे रोटी फोड़ने का इंतजाम कर रहे हैं आज के पैसा फूक रहा हूँ मोटा कर रहा था इंतजाम वो पर डंडा फिर बस तू भी छोए ना। ए बाबा जी रोटी पानी का इंतजाम कैसा है कहाँ कहना चाह रहे हो तुम। देख ले कैसी गलत बना रहे हो यार थूतड़ी है जाके भरसम कटवा ले चुप जाके। ए बाबा मेरे धोरे टाइम ना मेरी जिंदगी का सवाल देखियो वे अगले हफ्ता वे आ जाएंगे रिश्तेदार ससुराल यार फिर मोस बूझेंगे अंग्रेजी में सवाल जवाब मैं कौन से दूंगा मो तो अंग्रेजी सीख नहीं है। ए भाई मैं जो बताऊ था मैं यहाँ सबसे सीनियर कौन है। देख लो चाचा कैसी बात करे करो मैं कल से ना लगाऊ इस ट्यूशन पे मैं तो सीनियर पढ़ाऊ कल से ही आ रहा हूँ मैं तो। ऐसा तो बाबा मैं भी सीनियर हूँ मैं भी कल से ही पढ़ रहा हूँ ट्यूशन मैं भी सीनियर ही हुआ। भाई यहाँ हिसाब था तो मैं भी सीनियर हूँ फिर तो है मैं भी थारी गैल आयो यहाँ का सबसे बाद में आयो आदमी तो आदमी जूनियर है यहाँ के भाई आदमी तो पर होगी अब रैंकिंग। ए बाबा वो रैंकिंग ना रैगिंग होगा रैगिंग। हाँ वही भूल गया मैं तो। ए भाई आदमी तेरी करूँगा मैं रैगिंग और तेरे और मेरे बीच में कोई भूल गो ना वह मैं ऐसे लपड़ लगाऊंगा कहीं ना लगाए न होंगे रैगिंग जोड़े हैं अत्याचार। अच्छा क्यों ले लोगे रैगिंग मैं क्या कैसे दबूं। ओम फो आप तो दुर्राटे काट रहे हो आदमी जी लठते तो दब जाओगे न दबोगे लठते भी। हाँ चाचा कहाँ करना है जाके मशीन पर नाल कटवाओ जाओ। मैडम जी हमें तुमसे छोटी सी मदद चाहिए। क्या यू तुमने याद करने को ना दियो हमें हम तो यहाँ याद कर लेंगे और तुम जो तुम गहरे लगा दो हमारे नार कटवा दो। मैडम जी पी उसी प्लीज देख ले मतलब 2000 रुपए की बात है बस 5 मिनट ही तो लगेंगे। मैडम थोड़े थोड़े लगे गहरे तन लग। चाचा जरा इधर को देखियो ये अल्फाज तो मेरी समझ में ही ना आ रहे क्या क्या लिख रखा ये सेव तो मुझे नजर आ रहे हैं चारों तरफ सेव बना रखे हैं। अपने में जो पढ़ है तो हमें अपने में पढ़न दे हमें लौंडा को फिकर हो रहा था। ए भाई यू ए माने सेव कैसे कैसे है यू
ए माने तो अमरूद होता दी खैर, अर अमरपाल होवे अच्छे जा अमर पर अर अंधेल अपना अंधेल कम। ए बाबा यहाँ लिखता रहे ए फोर एप्पल, एप्पल माने सेब, यू वाले एप्पल ना हो जो मैं तुमसे पिछले महीने फोन को कह रहा हूँ जो तुमने दिवाया ना हो धमकार लगे, तो यू एप्पल माने बाबा सेब। अच्छा पहले ए माने एप्पल है और फिर एप्पल माने सेब है, ओ घुमा दिए यार आने तो कथई कह दिए इसको मतलब इंग्लिश है। मैडम थोड़ी देर तुम भी चला दो। चुप चला ले। कई दिनों से देख रहा हूँ ज्यादा इतना ज्यादा पढ़ रहा है, बूझो ही मत भैया, ईमान से लिखलाना जा रहा है रजाई में से मुझे तो, पर क्या करें मजबूरी है, चाचा के साथ हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, इनके पोते के निकाह की जो बात फंस रही है, अब तुम देख तो रही हो कैसे निकाह करवा रहे हैं, कैसी अंग्रेजी सीख रहे हैं ये, बुराई बाद में खालिद पे दर्द देंगे, उनका जी खालिद ना होने दे रहा, हरकतें इनकी तुम जान रही हो कैसी हैं। अगले जो इतवार आ रहा, क्या तारीख हो गई आज, 23 लगा लो तो अगला 7 दिन बाद, अगला जो इतवार आ रहा उसमें आ रहे रिश्ते वाले, देख लेना तुम्हारे भैया, देखो मैं तो इस बार साथ दूंगा, पता तुम्हें लग लेगी कैसे निकाहूंगी इनों के, बाकी संटाग्राम पर आ जाओ यार, फॉलो वॉलो ना कर रहे हो जब से मैं आया हूँ, चलूँ रुखसानंद चाय बनवाई होगी।